सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने YouTube वीडियो का कॉपीराइट क्लेम कैसे हटा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी लास्ट तक देखेगा तभी आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा और आप भी अपने YouTube वीडियो का कॉपीराइट क्लेम हटा पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चले जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर में आपको जाने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर सर्च कर देना है आपको m.youtube.com। इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको सिंपली से YouTube अपना आपका YouTube होम पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली से आपको ये 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इसको डेस्कटॉप साइट पे इनेबल कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पे इनेबल करने के बाद आपको सिंपली सा इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद आपको ये प्रोफाइल वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सिंपली सा इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको योर चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से ऊपर कस्टमाइज चैनल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। तो तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये हमारा पेज ओपन हो चुका है, और उसके बाद आपको ये सिंपली से एक वीडियो वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे इस वाले वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। ये देखिए मेरे इस वाले वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम आता क्यों है। तो अगर जो आप किसी का वीडियो या फिर किसी का ऑडियो यूज कर लेते हैं, किसी दूसरे यूट्यूबर का या फिर किसी का भी आप अगर जो यूज़ कर लेते हैं दूसरे का, तो आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो आपको किसी दूसरे का वीडियो या ऑडियो कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो अब बात आती है इसको हटाते कैसे हैं। तो सिंपली से आपको ये वीडियो पे क्लिक करना है, और आपको ये 3 डॉट वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और आपको ये डिलीट फॉर एवर वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा सबसे नीचे। आपको सिंपली से डिलीट फॉर एवर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इसको टिक करके यहाँ से डिलीट फॉर एवर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और आपकी ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।